तो बिग बॉस में लिया क्यों जाता है? सबसे पहले उनको अपना वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग भी क्या बोले, आज की जो वीडियो होने वाली है वो द UK07 राइटर अपने बाबू भैया। तो जैसे कि कल उनका बहुत बुरा हुआ है और बिग बॉस बहुत ही गलत कर रहा है। बिग बॉस ने जो भी गेम, मतलब जो चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल रहा था वहाँ, सब अपने हिसाब से चल रहा है उनका, और जैसा वो मन करे वैसा चल रहा है। बाबू भैया ने बोलते हैं कि बाबू भैया का काम नहीं दिखा। तो उनको क्या चाहिए, या काम करने वाला चाहिए वहाँ या? तो बिग बॉस में लिया क्यों जाता है? सबसे पहले उनको अपना क्या बोलते हैं, व्यूज़ वगैरह जो इंक्रीज करना होता है वो शो में दिखाना होता है। तो क्यों लड़ाई हर कोई कर रहा है उसमें, तो बाबू भैया भी कर रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहा उनका काम? सब कुछ दिख रहा है, पर जो बिग बॉस की जो चाल थी ना बाबू भैया को बाहर निकालने वाली, पहले तो बिग बॉस की फट रखी थी बाबू भैया से, और क्यों फटी थी वो सबको पता है जो बिग बॉस देख रहा होगा। और मैंने बहुत कुछ देखा, आवरा मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो कोई काम ही था ही नहीं, आवरा को तो पहले बात हिंदी समझ में नहीं आ रही, प्लस लड़ाई उसकी गई है नहीं, काम उसका कहीं है नहीं, और कैप्टन बना दिया उसको, और कैप्टन बना के उसने ईशा पे तक आयशा पे सॉरी आयशा पे तक उसने हाथ छोड़ दिया था चादर वाले में। उसको बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, तो बिग बॉस जो गलत है उनको सही बता रहा है और उनका साथ दे रहा था। और बाबू भैया को बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग थी, दो बार तो निकल नहीं पाई। और उन्होंने कल जो चीज़ देखी है कि उनको एक टाइमिंग चाहिए थी कि सबसे लड़ाई हो जाए और उसी टाइम बाबू भैया को बाहर कर ले जब उनके अगेंस्ट हो सारे। तो बिग बॉस की इतनी औकात नहीं है कि बाबू भैया से जीत पाए, वोटिंग भी उन्होंने बंद करी बाबू भैया क्योंकि इनकी फाड़ देते ढंग से इसीलिए। और लोग तो वीडियोज़ बना रहे हैं फालतू, बाबू भैया ऐसा बाबू भैया वैसा। अबे काम दिखा, ढंग से देख लो, थोड़ा आंखें खोल के देख लो अपनी। बिग बॉस ने कैसी किस चीज़ पे बाबू भैया को टोक मारी है, कहीं भी अभी तक अंदर जाने पे कहीं भी सही नहीं बताया है। जैसे कि मैं कल रात में देख रहा था अपडेट्स वगैरह, तुरंत बिग बॉस मतलब बाबू भैया जैसे ही बाहर आए तो एक से एक वीडियो लाने लगे लोग कि जोकर। अबे तो जोकर हैं तो कोई बात नहीं, जोकर क्या करता है, दूसरों को खुशियाँ देता है पहली बात तो, और वो खुशियाँ ही देते हैं। और ये जो अंदर वो क्या बोलते हैं, वो हिजड़ा ही बोलूँगा मैं उसे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो ईशा के साथ रहता है वो नखरे करता है ना चूतियों वाले। तो वो जो जैसे कल कह रहा था ना, कहाँ है पैसा, अब पैसा इतना है कि तुझे उसमें डुबा के मार देगा। तो भाई ये अंदर ना चूतिया बंदी करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें पता अंदर कुछ कर नहीं सकता, तो बाहर आके देखो कि क्या से क्या हो सकता है। वहाँ पे भड़वे देखे हैं मैंने बहुत सारे, आज तक मैं अपनी वीडियो में नहीं बोलता था, पर अब जाके ब्लॉग में बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैंने पूरा सीजन देखा है कि कैसे कैसे छक्के लोग बैठे थे अंदर और बोल रहे थे क्या ये औकात वगैरह सब कुछ भी जाते, और बिना बाइक की स्टैंड जो कर रहे थे ना, वो तुम्हारी औकात नहीं है भाई उसे चलाने की। तो सही बोला बाबू भाई ने, तुम बिक जाओगे रियली। अबे क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ स्टाइल अभी तक देखी नहीं है, उन्होंने बाहर क्या कमाई है, जनता कमाई है छोटे, तो टॉपिक तुझे अभी समझ नहीं आएगा। तो बाहर आके देख, और एक बार बाहर निकलेगा तो उनकी पूरी हिस्ट्री देखना, फिर तुझे समझ आएगा। जो अंदर पीठ पीछे दोगलापंती करते हैं, और सबसे बड़ा दोगला तो बिग बॉस है, सबसे बड़ा एकदम बोले तो एक नंबर का भड़वा है बिग बॉस। अब हर कोई बड़ा जो यूट्यूबर है ना, अंदर जाने से पहले 100 बार सोचेगा कि बिग बॉस में जाए ना जाए, क्योंकि बिग बॉस जो है ना अंदर खाली बेइज्जती कराने को बुलवाता है, और यूके का बंदा है भाई, यूके का बंदा सबकी फाड़ेगा, और उसने फाड़ी है। बिग बॉस ने डर के मारे से बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी बाहर निकालने की। UK07 राइडर
तो भाई ज़्यादा क्या बोले। और आज की अपडेट आने वाली है बाबू भैया की, और बिग बॉस से बढ़िया तो बाबू भैया अपने यूट्यूब करियर में बहुत बढ़िया हैं। तो यार ऐसे बिग बॉस में जाके क्या फ़ायदा, जहाँ खाली बंदे की बेइज्जती 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 करे और पर्सनल इश्यूज को टैग करे। बिग बॉस को एक चीज़ सुधारने की बहुत ज़रूरत है, जो पर्सनल लाइफ में जाते हैं ना उस चीज़ को। यार बिग बॉस में आ रहे हो तुम अपना सीजन दिखाओ, किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकते हो। तो ये चीज़ बहुत गंदी है बिग बॉस की। और बिग बॉस तो नाम का रह चुका है अब, बिग बॉस की तो फट गई उत्तराखंड के बंदे से। तो बिग बॉस की किससे फटी, उत्तराखंड के बंदे से, द यूके यूके 07 राइडर, तो अपना जो देहरादून का सीन है। तो बाकी उत्तराखंड वाला को बहुत भयंकर सपोर्ट है। तो बाकी बिग बॉस वाले ने तो देख ही लिया है कि उत्तराखंड के बंदे कैसे होते हैं। पहले साइलेंट मोड पर रहता है, पहाड़ी डेड पहाड़ी से कहता है ना, डेड पहाड़ी, तो पहाड़ी पहले शांत रहता है, जब अपनी पे आता है ना तो फाड़ के रख देता है, पता है ना। और जो बाबू भैया के गलत शलत बोले ना उनके लिए ये समझ जाओ। तो गाइस शाम को अभी देखते हैं बाबू भैया का जो अपडेट आएगा, उसके बाद आपको मिलते हैं। डेट में क्या क्या आता है देखते हैं, और सच्चाई खुलने वाली है बिग बॉस की, बाबू भैया ढंग से खोलेंगे ढंग से। मिलते हैं आपको और शाम को, तो फिर आपसे बात करते हैं। लेना डिसीजन, बाकी आपने मेरी जर्नी तो देख ही ली होगी, तो सोच समझ के डिसीजन लेना।